एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर वन यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ बेहद खास जानकारी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीन राशि वाले जो जातक हैं उनका दिसंबर का महीना कैसा गुजरने वाला है। आपको बता दूं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर के महीने यानी कि साल 2020 का अंतिम महीना कैसा गुजरने वाला है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि राशिफल की जो अंतिम राशि यानी कि मीन राशिफल है उनके जातकों का जो द्वितीय नवम और दशम भाव उस महीने सक्रिय अवस्था में रहेगा। द्वितीय भाव में हम आपकी वाणी और धन के बारे में विचार करते हैं, नवम भाव धर्म और भाग्य का भाव होता है, दशम भाव से कर्म के बारे में विचार किया जाता है और उस महीने आपको इन भावों के गुणों के अनुसार ही फलों की प्राप्ति होने वाली है। मीन राशि के जातकों की छवि उनके सीनियर्स के सामने सुधर सकती है। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो उसमें भी सुधार होगा। इस महीने पूरे चांस हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी हो जाए। स्वास्थ्य के लिहाज से बात की जाए तो इस महीने आंखों से जुड़ी हुई परेशानी आपको हो सकती है, अपनी आंखों का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और अब विस्तार से बताऊंगी मैं आपको कि मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2020 का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर का महीना कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले मैं करियर के बारे में बताती हूँ। अगर आप अपनी कंपनी के काम से किसी जगह गए हुए हैं तो आपको कुछ और दिन अभी वहां पर रुकना पड़ सकता है। अचानक आपको कहीं जाने का आदेश वरिष्ठों के द्वारा यानी आपके सीनियर्स आपको दे सकते हैं। आपको अपने प्रोफेशनली जो आपको प्रोफेशनल जीवन है उसमें निजी मामलों को नहीं लाना चाहिए। इसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएं, इसलिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग करके रखें। काम के प्रति एकाग्रता रहे तभी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस राशि के कुछ लोगों की छवि उनके बॉस की नजरों में सुधर जाएगी जिसके कारण आपको भविष्य में भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है। जिस प्रोजेक्ट को गलत बताकर पहले आपको रिजेक्ट किया गया था हो सकता है उस पर फिर से विचार किया जाए और उस प्रोजेक्ट में आपकी मेहनत के चलते आपको फिर से शामिल किया जाए। खुद को सही सिद्ध करने के लिए इस दौरान आपको कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी है, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस लेनी है। कारोबारियों की बात करें तो इस महीने उनको अच्छा मुनाफा होने वाला है व्यापारी जातकों को और भविष्य के लिए भी वो अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आर्थिक पक्ष के बारे में बता देती हूँ। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने आप बचत कर पाने में सक्षम रहेंगे। अगर अपने बीते समय में निवेश किया है तो इस महीने आपको उससे भी ज़्यादा फायदा मिलने की पूरी उम्मीदें हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी लंबे वक्त से सेल पर चल रही है तो उसकी अच्छी डील हो सकती है, आपको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। इस डील में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार देने वाली ये डील होगी। अगर किसी सरकारी खाते में आपका धन अटका हुआ है तो हो सकता है इस महीने वो भी आपको मिल जाए। अगर आप अपना काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी पिता के द्वारा इस समय आपको पूरी तरीके से मदद मिलेगी। पिता की मदद आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है कारगर साबित होगी। आप अपना काम शुरू कर पाने में सक्षम रहेंगे। फैमिली मेंबर में से किसी की अच्छी जॉब लग सकती है, कोई आपका अपना काम शुरू कर सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति इससे सुधर जाएगी। इस राशि के जो जातक अब तक बेरोजगार है हो सकता है अब उनको जॉब मिल जाए, ऐसी संभावनाएं हैं। हालांकि आपको अपने प्रयासों में तेजी रखनी है, ढिलाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा आपको बता दें कि अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए इस महीने आपको थोड़ा सा जो है समझदारी से काम करना है। माता पिता से संबंध इस महीने आपके सुधर जाएंगे। बीच का सामान्य जस बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण जो है वो आपके घर का खुशहाल रहने वाला है। ना कोई काम शुरू होगा नया, अब उसमें आपको मुनाफा भी देखने को मिलेगा। आपकी माता की जो आत्मविश्वास है उसमें भी वृद्धि होगी। घर की स्थिति भी अच्छी रहेगी। भविष्य में भी कुछ योजनाएं हो सकता है आप परिवार के साथ बैठकर बनाएं। आपका जोड़ीदार भी आपकी इस योजनाओं में आपका साथ देगा। जोड़ीदार के साथ मिलकर आप भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई फंक्शन है तो उसमें आपके रिश्तेदार आपकी दिल खोल करके मदद करते भी नजर आएंगे। परिवार के सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से मौका मिलेगा जब वो वक्त बिताएंगे, एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। इस महीने आपके घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। आपको सही मानसिक जो है स्थिति बनाए रखने के लिए ध्यान जरूर करना है। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका जो मानसिक बैलेंस है वो बिल्कुल फिट रहेगा और आप हर तरह की परेशानी का सामना कर लेंगे। चलिए बात करते हैं शिक्षा की। तो जो छात्र छात्रा हैं
उन्हें इस महीने अच्छा जो है रहने की ज़रूरत है। इस महीने आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपको शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल सहयोग करने वाले हैं। परिवार की मदद से आप अपने पसंदीदा कोर्स में दाखिला भी ले सकते हैं। इस राशि के कुछ लोग किसी नए कोर्स में दाखिला लेने के लिए, इस राशि के कुछ छात्र मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। दाखिला लेने के बाद आपको काफ़ी सुकून भी मिलेगा। स्कूल में पढ़ते वक्त बच्चे इस महीने अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनके घर वाले भी काफ़ी खुश रहेंगे। अगर आप विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने चाह रहे हैं तो इस दौरान आपके पिता को आपको लेकर के थोड़ी सी चिंता होगी। जिन जातकों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है उन्हें इस महीने योग ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ध्यान करने से आपकी एकाग्रता जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है और आप अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। बुरी संगति से दूर रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाइए जो समय पर जो आपके समय की कदर करते हों। छात्र जीवन में कई परेशानियां उठानी आपको पड़ सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होकर के काम करने की ज़रूरत है। प्रेम में अगर आप हैं या फिर वैवाहिक जीवन आपका है तो कैसा रहेगा ये बताती हूँ मैं आपको। इस महीने आपको अपने प्रेमी के साथ समय बिताने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इस राशि के जो जातक अपने लवमेट से शादी करना चाहते हैं वो अपने घर वालों से हो सकता है अपने रिश्ते की बात करें। आपके घर वाले आपकी शादी के लिए हामी भी भर सकते हैं। इस राशि में प्रेम में पड़े हुए कुछ जातक कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे आपके संगी को परेशानी हो सकती है। आपको हमारी यही सलाह है कि प्रेम के रिश्तों में अहम को पीछे बिल्कुल भी छोड़ के आगे बढ़ जाएं। अगर आप हर बात पर अपनी ही राय रखेंगे तो हो सकता है आपका रिश्ता बिगड़ जाए। शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो इस महीने अपने जीवन साथी से उनकी अच्छी बनने वाली है। जीवन साथी के परिवार वालों से भी अच्छा व्यवहार उनको करना होगा, उनसे भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। मीठी मीठी बातें जीवन साथी को आपकी ओर आकर्षित कर लेंगी। जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं इस महीने वो अपने प्रेमी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे, उनके बहुत करीब आएंगे। साथी को खुश करने के लिए वो हर संभव कोशिश करते नजर आएंगे। और अंत में आपका स्वास्थ्य कैसा होगा मैं भी बता देती हूँ। स्वास्थ्य जीवन में सुधार के लिए आपको इस महीने ज़रूरत है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, बुरा असर होगा आपको इस महीने। अपनी आँख, छाती, पेट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, आँखों को आराम दें। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। सुबह उठकर पानी पिएं, आँखों को पानी से धोएं, आपके लिए फायदेमंद है। पेट की समस्या हो सकती है, बाहर का खाना खाने से थोड़ा सा बचें। तला भुना भोजन भी उससे भी दूरी बना करके रखें। तरल पदार्थों का सेवन जितना हो सके उतना ज़्यादा करें और ऐसी चीज़ों को भी अपने आप से दूर रखें जिसकी वजह से आपको त्वचा संबंधित परेशानी होती है। अपने गुस्से पर काबू ज़रूर रखें वरना चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और हाँ, योग का अभ्यास ज़रूर करते रहें। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, उपाय क्या है ये भी बता देती हूँ मैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 1008 बार अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि मीन राशि वाले जातकों का ये महीना दिसंबर का जो है वो कैसा गुजरने वाला है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जा करके लिखें कि आपको कैसा लगा। आपका अगर कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा जो है स्वस्थ रहें। मैं आप सब के लिए प्रभु से यही कामना करती हूँ। जय माता दी।